नमस्कार। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हुंडई आई10 यानी कि हुंडई ग्रैंड आई10 का। गाइस हाफ बोलो शॉर्ट बोलो कुछ भी बोलो चलता है क्योंकि ग्रैंड आई10 आई10 ही है भाई। तो गाइस देख सकते हैं काफ़ी अच्छा गाड़ी है। मैं पहले बता दूँ ये गाड़ी थोड़ा माइलेज के नाम पर बदनाम है बट फिर भी ठीक ठाक है यार। मॉडल का बात करते हैं लुक का बात करते हैं काफ़ी अच्छा इसके अंदर लुक देखने को मिलता है। फॉग लैंप आपको मिल जाएगा यूपी नंबर गाड़ी है। तो गाइस देख सकते हैं हुंडई का आपको बैजिंग मिल जाएगा एंड बड़ा बड़ा हेडलैम्प देखने को मिलता है। टॉप मॉडल गाड़ी है गाइस देख सकते हैं इसका साइड इंडिकेटर में आपको लाइट देखने को मिल जाएगा। एंड बैक का बात करते हो तो गाइस बैक तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। मतलब बैक पर तो खैर ज़्यादा बात करना नहीं चाहिए क्योंकि बैक मतलब कुछ गलत भी लोग समझ लेते हैं बैक का। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टेल लैंप भी मिल जाएगा। पीछे का देख सकते हैं आपको इसमें जो होता है एंटीना जिसे हम बोलते हैं बहुत बड़ा एंटीना देखने को मिलता है इसमें आपको। कुछ आप चाहें तो इसको चेंज भी करा सकते हैं बाहर से लगा सकते हैं। एंड देख सकते हैं इसका बूट आपको पीछे से ओपन करने वाला काफ़ी अच्छा स्टाइलिश मिल जाता है। यूपी नंबर गाड़ी है गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा गाड़ी है। आपको लुक वाइज मैं दिखा दिया इसका डिटेलिंग का बात कर लूँ गाड़ी के अंदर क्या क्या मिलता है सब कुछ। तो गाइस आप देख सकते हैं सबसे पहले वाइट वेरीफाइड सेलर का गाड़ी के आप जब भी ले गाड़ी वेरीफाइड सेलर का गाड़ी ले क्योंकि ऐसे फ्रॉड करने वाले हमारे इंडिया में तो क्या पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा बैठे हैं। मतलब घुसखोर जैसा तैसा बोल सकते हैं उनको गाली जितना उतना दे सकते हैं। वीडियो है इसलिए नहीं दे रहा हूँ। हुंडई ग्रैंड आई10 2016 मॉडल गाड़ी है। 1.2 CRDI स्पोर्ट मॉडल है। तो गाइस देख सकते हैं प्राइस का बात करते हैं काफ़ी कम है प्राइस 4,25,000 का प्राइस है। ये जो प्राइस है इसको और भी कम करने का मैं तरीका बता सकता हूँ डोंट वरी। और नीचे आपको दिखाऊँ तो गाइस देख सकते हैं डीजल वेरियंट गाड़ी है। 71,000 किलोमीटर चला हुआ है। हिंदी में बोला जाए तो 71,000 किलोमीटर चला हुआ है गाइस। एंड आपको इसमें गियर बॉक्स का बात करते तो गाइस मैनुअल गियर आपको मिल जाने वाला है। और ऑनर का बात करते तो गाइस फर्स्ट ऑनर आपको देखने को मिल जाएगा। लोकेशन का बात करते तो गाइस गोविंद नगर कानपुर है। गोविंद नगर कानपुर में जाना है गाड़ी को देखना है गाड़ी को उठा के अपने घर ला के पटक देना। तो गाइस आपको और नीचे दिखाऊँ तो देख सकते हैं इसका डिटेल का बात करते तो गाइस फाइनेंस भी आपको मिल जाता है। फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है जैसे कि आपको बैंक में मिला करता है और डायरेक्टली शोरूम में जाता है वहाँ पर भी मिलता है। तो इसमें भी आपको मिल जाएगा क्योंकि एक शोरूम से गाड़ी सेल हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा बात है। एडिशनल व्हीकल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको ABS का सिस्टम मिल जाता है जो कि ब्रेकिंग में काफ़ी हेल्प करता है। एडजस्टेबल एक्सटर्नल मिरर आपको पावर में मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया गाड़ी टॉप मॉडल है तो टॉप मॉडल का सारा फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एडजस्टेबल स्टीयरिंग देख सकते हैं एडजस्टेबल स्टीयरिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। एयर कंडीशन बात करते हैं तो गाइस विथ हीटर आपको मिल जाएगा। नंबर ऑफ एयर बैग 2 एयर बैग मिल जाएगा। एंटी थिप डिवाइस यस इसमें आपको मिल जाता है जो कि बटन लॉक हम बोलते हैं क्या करके लॉक हो जाता है। ऑक्स आपको मिल जाएगा। ब्लूटूथ मिल जाएगा। कलर का बात करते हैं इस ब्लू कलर का आपको मिल जाएगा। लॉक सिस्टम रिमोट कंट्रोल जैसे कि मैंने अब थोड़ा देर आपको पहले बता ही दिया था। पावर स्टेरिंग आपको इसका देखने को मिल जाता है। पावर विंडोज मिल जाएगा फ्रंट एंड रियर दोनों में। FM और AM आपको दोनों मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं यूपी का है। फाइनेंस आप इस गाड़ी का करा सकते हैं। USB भी आप इसमें लगा करके सॉन्ग को सुन सकते हैं ठीक है। और चार्जिंग भी आप कर सकते हैं USB लगा कर। टेंशन ना ले ऐसा ना सोचे कि यार चार्जिंग कैसे करेंगे उसके लिए कहीं अलग से या कुछ भी आलतू फालतू आप सोच लें। तो गाइस आपको ऑनर का नाम बता दो देख सकते हैं सिंह मोटर्स कानपुर। ऑनर का नाम नहीं है शॉप का नाम है। दिखा दो लोकेशन तो गाइस देख सकते हैं गोविंद नगर कानपुर। नीचे भी एक गाड़ी है वैगन आर 3,35,000। आपको इसका रिव्यू चाहिए तो मुझे बता दें मैं कर दूँगा। कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ ऑनर का जिससे आप इजीली ले सकते हैं। गाइस देख सकते हैं ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर। करना कुछ नहीं है इस नंबर पे आपको कॉल लगाना है ऑनर से बात करना है प्राइस डिस्कस करना है गाड़ी को अच्छे से चेक करना है मैकेनिक को भी ले जाकर चेक करा सकते हैं। नो इशू आप टेस्ट ड्राइव लें पसंद आता है तो बेशक लें अदरवाइज स्किप कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही मिलता है अगली वीडियो तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद जय भारत।